श्री विष्णु पुराण 13वां अध्याय राजा वेंग और प्रथु का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव से उनकी पत्नी ने शेष्टी और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा शेष्टी के द्वारा उनकी पत्नी सुछाया ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, व्रकल और वक्र तेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा वहती के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करणी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो छठे मन्वंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नडवाला के गर्भ में 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नडवाला से कुरु, पुरु, शतधन्व, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निहोष्टम, अतिरात्र तथा नवा सुधुम्न और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। पुरु के द्वारा उनकी पत्नी आग्नेयी ने अंग, सुमना, ह्याति, क्रतु, अंगीरा और शिबी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुमित्रा के वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उन वेन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया। हे महामुनि, वेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वैन्य नामक महिपाल उत्पन्न हुए, जो प्रथु नाम से विख्यात हैं और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दूहा था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, परम ऋषियों ने वैन के हाथ को क्यों मथा, जिससे महाप्राकर्मी प्रथु का जन्म हुआ। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप से दी वही गई थी, उसी से वैन का जन्म हुआ। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपनी माता मह नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति हुआ। उस वैन का जिस समय महर्षि द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय उस पृथ्वी पति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है। इसीलिए कभी कोई यज्ञ दान और हवन आदि ना करें। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वी पति के पास उपस्थित होकर पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषि गण बोले, हे राजन, हे पृथ्वी पते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं वह सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी छठा भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वैन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है। जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो, वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि ना करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। ऋषिगण बोले, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय ना हो।
देखिए यह सारा जगत हवि अर्थात यज्ञ में हवन की हुई सामग्री का ही परिणाम है। श्री पराशर जी बोले, महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वेद ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत क्रोध और अमर्ष युक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो मारो, जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वी पति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कह मुनि गणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे द्विज, तदंतर उन मुनीश्वरों ने सब और बड़ी धूलि उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजा हीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिवरु, उन तीव्र वेग वाले पर धनहारी चोरों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूलि उड़ती दिख रही है। तब उन सब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंघा का पुत्र के लिए यत्न पूर्वक मंथन किया। उसके जंघा के मथने पर उसमें से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो जले फूट के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषिद्ध बैठ, अतः वह निषाद कहलाया। इसीलिए हे मुनि शार्दुल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पाप परायण निषाद गण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया, अतः निषाद गण वेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेन सुगम प्रथुर प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान थे। इसी समय आजगव नामक आद्य अर्थात सर्वप्रथम भगवान शिव धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सतपुत्र के ही जन्म लेने से वे ही स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पुण्य अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज प्रथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय आंगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वैन्य वैन पुत्र का राज्य अभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें भगवान विष्णु का अंश जान पिता महा ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी वेन पुत्र धर्म कुशल महानुभावों द्वारा विधि पूर्वक अति महान राज राजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रजा को पिता ने अपरक्त अर्थात अप्रसन्न किया था उसी को उन्होंने अनुरंजित किया और प्रसन्न किया। इसीलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और उनके ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौएं कामधेनु रूपा थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा प्रथु ने उत्पन्न होते ही पितामह यज्ञ किया। उससे सोमा भीष्म के दिन सुति अर्थात सोमा भीष्म भूमि से महामती सूर्य जी की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान माघध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और माघधों से कहा, तुम इन प्रतापवान वेन पुत्र महाराज प्रथु की स्तुति करो, तुम्हारे योग्य यही कार्य है।
और राजा भी स्तुति के ही योग्य हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं हैं। अभी इनके ना तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और ना यश ही विख्यात हुआ है, फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। ऋषि गण बोले, ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे उन्हीं से तुम इनका स्तुवन करो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करना चाहिए। इसीलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे मैं भी सावधानता पूर्वक वैसा ही करूँगा। यदि यहाँ पर कुछ त्याज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित से निश्चय किया। तदंतर उन सूत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान विनमुंदन महाराज प्रथु को उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित भली प्रकार स्तवन किया। उन्होंने कहा, ये महाराज सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृदय, क्षमाशील, प्राकर्मी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रिय भाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञ परायण, ब्रह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वी पति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ प्रथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम कर उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियां अपने में लीन कर ली हैं, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने तो आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः शुद्धा रूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महाराज प्रथु अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोध पूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई माता पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली माता पृथ्वी जहाँ जहाँ भी गई वहीं वहीं उसने वेम पुत्र प्रथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे पीछे आते देखा। तब उन प्रबल प्राकर्मी महाराज प्रथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली, माता पृथ्वी ने कहा, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे हैं। प्रथु बोले, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। माता पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा। प्रथु ने कहा, अरे वसुधे, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, तब अत्यंत भयभीत एवं कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वी पति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी पति बोली, हे राजन, यत्न पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को पचा लिया है उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा बछड़ा बनाइए
जिससे वात्सल्य वश मैं उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए जिससे मैं उत्तमों उत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पराशर जी बोले, तब महाराज प्रथु ने अपने धनुष की कोटी से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पुर और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गौरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम न था। यह सब तो वेन पुत्र प्रथु के समय से ही आरंभ हुआ है। हे द्विजोतन, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल आदि ही था, वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वी पति प्रथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दूहा। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज प्रथु प्राण दान के कारण भूमि के पिता हुए, इसीलिए उस सर्वभूत धारिणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दूहा तथा दूहने वालों के अनुसार उनके सजातीय ही दुग्धा और वत्स आदि हुए। इसीलिए भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराज प्रथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए, प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज प्रथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। प्रथु का यह अत्युत्तम जन्म वृत्तांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुःस्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।